जामनगर बना जश्न नगर और वहां पर जबरदस्त हुई शाह प्री वेडिंग की सारी तैयारी। गुजरात के जामनगर के वंतारा की खूबसूरती किसी जन्नत से कम नहीं थी। तीन दिनों तक जामनगर में जश्न ही जश्न था। वहाँ दुनिया की टॉप मोस्ट सिंगर रेहाना परफॉर्म कर रही थी। तीन दिनों तक गीत, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, परिवार और रिश्तों से लेकर शुभकामनाओं और बधाइयों के बीच गुजरा। और इन तीन दिनों के इस जश्न में हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी ने दुनिया के हर हिस्से तक बिखेर दी रोशनी और जिसमें दिखा जश्न जामनगर। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का तीन दिनों का जो जश्न था वो खत्म हो गया है। जो देश विदेश से मेहमान आए थे वो अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, लेकिन इन तीन दिनों में जो जश्न की शानदार तस्वीरें सामने आई वो सभी के जहन में रहेंगी। मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की चर्चा यूं ही दुनिया के कोने कोने तक नहीं हो रही। जामनगर में हुए तीन दिनों के सेलिब्रेशन में जो सितारे पहुंचे, जो दिलचस्प झलकियां दुनिया ने देखी, जिन अद्भुत कार्यक्रमों का लुत्फ मेहमानों ने उठाया, वो उन्हें भुलाए नहीं भूलेंगे। नगर में तीन दिनों तक चले प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के उत्सव में तीसरे दिन मेला की थीम पर जश्न का इंतजाम था और इस जश्न में उदित नारायण के गाने पर शाहरुख खान और गौरी खान की वीर जारा परफॉर्मेंस भी चर्चा की वजह रही। तीसरे दिन का थीम एथनिक लुक वाला था, तो मेजबानों से लेकर सारे मेहमानों तक में वो झलक देखने को मिली। रॉकी रंधावा दिस साइड, लव यू फ्रॉम लास्ट लाइफ, यू आर द ग्लोइंग्स बेब्स, व्हाट इज द राज, कम लेट अस डू स्पेशल डांस फॉर ब्यूटीफुल कपल, फाल्गुनी हिट इट। तो अंबानी परिवार ने अपने बेटे की शादी से पहले लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अनुमान है, और इस तीन दिन में 350 विमानों का मूवमेंट भी हुआ है। देश विदेश से तमाम मेहमान पहुंचे, दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। चाहे वो कारोबारी जगत में फेसबुक मीटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग हो या माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, ये सभी मुकेश अंबानी के मेहमान थे। देश के उद्योगपतियों में अडानी से लेकर पीरामल तक और बिरला से लेकर टाटा तक हर बड़े उद्योगपति घराने के मेहमान अनंत और राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। बॉलीवुड के फिल्मी सितारों की बात की जाए तो शायद ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी सितारा होगा जो इस तीन दिन के जश्न में कहीं ना कहीं नजर नहीं आया होगा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार रजनीकांत जैसे दिग्गज और वरिष्ठ कलाकारों से लेकर जानवी कपूर तक की पीढ़ी के कलाकार अंबानी परिवार के मेहमान थे। दर्जनों मेहमानों ने तो अपने पूरे परिवार के साथ अंबानी फैमिली के इस फंक्शन में शामिल होकर चार चांद लगाया, चाहे इसमें सैफ अली खान का परिवार हो या शाहरुख खान का परिवार हो, दीपिका, रणबीर, कैटरीना, विक्की जैसे सेलिब्रिटीज हो, फिल्म डायरेक्टर से लेकर सिंगर्स और परफॉर्मर्स तक, तमाम ऐसे लोगों को अंबानी परिवार ने इस समारोह में आमंत्रित किया था जो जामनगर के जश्न में आकर उत्सव का रंग जमा रहे थे। जामनगर में तीन दिनों तक चले इस भूतो न भविष्यति कार्यक्रम का अंदाजा बस ऐसे लगा सकते हैं कि जामनगर के जिस छोटे से एयरपोर्ट पर कभी दिन भर में 6 विमान आते जाते थे, वहाँ सितारों के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो तीन दिन में करीब 350 विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग कराई गई। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले मेहमानों के अलावा विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए अंबानी ने अपनी कंपनी के 8 से 10 हवाई जहाजों के अलावा इतने ही विदेशी एयरक्राफ्ट भी किराए पर लिए थे जो शटल सर्विस की तरह इस्तेमाल किए जा रहे थे। भारत में मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली जैसे शहर हो या दुबई, लंदन, अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों से आने वाले मेहमान, हर मेहमान को जामनगर लाने और वापस पहुंचाने का सिलसिला अब भी जारी है। इस पूरे उत्सव में आयोजन से लेकर मेहमान नवाजी तक, मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट देने तक अंबानी परिवार ने जितना खर्च किया है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वैसे सितारों की चकाचौंध से भरे इस तीन दिन के उत्सव का एक किस्सा सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है।
दरअसल फेसबुक मेटा के मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चैन भी इस उत्सव में मेहमान थे। उनकी जब अनंत अंबानी से मुलाकात हुई तो अनंत अंबानी के रिस्ट वॉच को लेकर दिलचस्प बातचीत हुई। हुआ यूं कि अनंत अंबानी की कलाई में रिचर्ड मिल की वॉच देखकर प्रिसिला चैन उसकी तारीफ कर रही थी। तभी मार्क जुकरबर्ग ने भी कहा कि मैंने भी इन्हें इस वॉच के बारे में यही कहा है। अनंत अंबानी के घड़ी की कीमत के बारे में चर्चा ये है कि ऑडे मॉर्स पिगल रॉयल ओ घड़ी की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए है। शायद यही वजह है कि इसे देखकर मार्क जुकरबर्ग, जो कि घड़ियां पसंद नहीं करते हैं, वो भी इस वॉच के दीवाने हो गए। प्रिसिला चैन ने भी कहा कि वो भी ऐसी घड़ी चाहती हैं। वैसे अनंत जिस मुकेश अंबानी के बेटे हैं, जो हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति हैं, उनके लिए 14 करोड़ की घड़ी बड़ी बात नहीं है, और न ही मुकेश अंबानी के 11,700 करोड़ डॉलर से 6,000 करोड़ डॉलर के अधिक करीब 17,610 डॉलर की संपत्ति वाले मार्क जुकरबर्ग के लिए वो घड़ी बड़ी बात है। लेकिन मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी से पहले उत्सव में जो मेजबानी दिखाई, उसकी चर्चा जरूर दुनिया भर में हो रही है। इस मौके पर परिवार में एक अलग भावात्मक रिश्ता जुड़ता हुआ भी नजर आया, चाहे वो अनंत की भावुक कहने वाली बातें हों या फिर आंखों से झलकता प्यार। Thank you, Mama, for all that you've done, Mama. That, as many of you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. I've faced many health crises since childhood. But my father and mother have never let me feel that I've suffered. My father and mother have always stood by me. And my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my father and mother mean to me. My mother has gone all out for the last 4 months. She's worked for... अनंत अंबानी जब मंच पर सबके सामने अपने मुश्किल भरे दिनों में परिवार के सहारे और साथ का जिक्र कर रहे थे, तो सामने बैठे मुकेश अंबानी की आंखें छलक रही थी। I would like to thank each and every one of you. आंखों में आंसू भरे मुकेश अंबानी अपने बेटे की वो बातें सुन रहे थे जिसमें अनंत अंबानी का परिवार के प्रति स्नेह और समर्पण नजर आ रहा था। अनंत की तरह ही मुकेश अंबानी ने भी जब अपनी स्पीच शुरू की तो अनंत के नाम और उसके अर्थ से ही शुरू की थी। फ्रेंड्स, लेट मी नाउ से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट अनंत एंड राधिका। अनंत इन संस्कृत मींस दैट which has no end. It means infinite. And I see infinite potential in Anant. Main Anant mein Anant Shakti dekhta hoon. Radhika and Anant. Anant and Radhika. Ye to रब ने बना दी जोड़ी है। अनंत और राधिका के रिश्ते को डिवाइन बॉन्डिंग मान रहे अंबानी परिवार के अंदर इस 3 दिन के कार्यक्रम में बेहद शानदार आपसी तालमेल भी देखने को मिला, और मुकेश अंबानी ने भी कई बार कहा कि इस सारे कार्यक्रम को नीता अंबानी ने अपनी दक्षता से आयोजित किया और वो खुद भी हैरान है। अक्सर अपने कारोबारी कामकाज में व्यस्त रहने वाले और आमतौर पर गंभीर दिखने वाले मुकेश अंबानी इन 3 दिनों में पूरी तरह फैमिली मैन दिखे, चाहे वो एक एक मेहमानों के साथ गले मिलकर स्वागत करना या फिर हर मौके पर पारिवारिक फोटो सेशन में मौजूद रहना। हर जगह मुकेश अंबानी बेहद खुश पिता और पति की तरह नजर आए।